और भाभी जी ने खाना खाने से पहले एक खतरनाक बात बोली, उससे हम थोड़ा डर गए। तो भाभी ने अभी बोला थोड़ी देर पहले, मैं आपको बता देता हूँ ननद जी को कब करंट लगे। तो देखो भाई, ऐसी ननद भी होनी चाहिए, भाभी को पूरे कपड़े प्रेस करके दे रही, भागो। चलिए जी, फाइनली मैंने भाभी को छोड़ दिया। ठीक है भाभी, भागना बता आराम से, घर आ जाना शाम को। दोस्तों इतना महंगी चीज खत्म कर दी। तो रात को मैं यहाँ सो रहा था, और यहाँ से उड़ते ही मैं पहले बाहर की तरफ देख रहा हूँ, तो भाई साहब क्या उजाला हो गया, वाह 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 भाई, उत्तरकाशी चमक रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा, और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। सामने देखिए वर्णावत पर्वत, बाकी कुछ इस प्रकार से है उत्तरकाशी शहर। सर्दी का मौसम आ गया, तो जैसे ही धूप आ रही है तो सीधे छत के ऊपर बिस्तर लगा रहे हैं। तो चलिए गर्मा गर्म पहले नाश्ता कर लेता हूँ मैं। दादी और ताऊजी तो अंदर नाश्ता कर रहे हैं। जय हो, लगे हैं भचकाने पे। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई आजकल तो सीधे ये है कि नाश्ता हो चाहे खाना हो एक ही बार कर लेते हैं, तो आज रायता भी बना रखा है, और बाकी गहत की दाल। दादी कैसे हो रही दाल? बढ़िया, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी भाई खाना बनाने का डिपार्टमेंट दोनों ने पकड़ रखा भाई। हाँ जी, स्वाद तो है, बोल तुम्हारे हाथ में तारीफ तो बहुत हो रही है। चलो हाँ, चलो खिलाओ था मेरे को भी। मैंने सोचा रात को दंगल होता है, यहाँ तो सुबह भी दंगल ही चल रहा है। डालिए डालिए हरी सब्जी, गहत की दाल और मस्त रायता। तो मैंने तो खाना खा लिया, और बाकी यहाँ पुष्पा और भाभी जी खा रहे खाना। और भाभी जी ने खाना खाने से पहले एक खतरनाक बात बोली, उससे हम थोड़ा डर गए। भाभी जी क्या बोला आपने थोड़ी देर पहले? मैंने बोला आपने कुछ, मेरी तो भाई सारी भूख मर गई थी सीधे। मैंने बोला भाई ये क्या बोल रहे भाभी ने? तो भाभी ने अभी बोला थोड़ी देर पहले, मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोला? मैं बोले यहाँ से भाग रही हूँ। क्या क्या बीत रही है आप पैसे, मतलब ऐसा क्यों बोला आपने? हैं? आप लोग मेरे सामने खटाई खाओगे, मुझे अच्छा थोड़ा लगेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम आपको बता देते हैं। अब अगले महीने से खटाई खाने का सीजन आने वाला है, यानी कि जो नारंगी उसकी खटाई बनती है। तो भाभी जी को नहीं दे सकते खटाई, तो भाभी जी ने कहा मैं नहीं देख पाऊंगी ये चीज, इससे बढ़िया मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अगर ये बात मेरे भ्राता सीधी देखेंगे ना, कसम से उनके रिएक्शन भी देखने पड़ेंगे, और कल सुबह पक्का फोन करेंगे, भाई क्या डाल दिया तूने, है ना आपके शब्द, मैं भाग जाऊंगी। तो चलो खैर, ये भाभी ने मजाक में बोला, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मजाक मजाक में खतरनाक बोला, मैं तो एकदम शौक हो गया था, मैंने कल भाग जाऊंगी। बाकी अभी भाभी भी नाश्ता कर रहे हैं, पुष्पा भी नाश्ता कर रही है। खाओ साहब, कैमरा बंद हो रहा है, दबा के खाओ तब। तो दादी यहाँ पर लहसुन छिल रही है, क्या करी दादी इस लहसुन का? अचार। तो ठीक है भाई, अचार बनेगा। तो दादी सारी लहसुन छिल रही है यहाँ पे। अरे भाभी जी, भाभी भाभी भागे भागे, पहले भागे, अरे अभी नहीं अभी नहीं। तो जब से भाभी जी ने बोला था मैं भागूंगी बोले यहाँ से, तब से थोड़ा डर तो लग रहा है हमें, यानी कि भाभी पे नजर रखनी पड़ेगी, जैसे इधर उधर जा रहे तो हम देख रहे कहीं भाग ना जाए सही में। बाकी मैंने पहले भाभी को मार्केट छोड़ना, उसके बाद मार्केट से फिर घर के लिए जाना है, थोड़ा बाइक पे तेल भराऊंगा फिर निकलूंगा। बाकी मेरे साथ आज फिर ललिता जाएगी घर। यहाँ भाभी जो बोल रहे हैं तो भागने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ देखो भाभी को कपड़े प्रेस करके दिए जा रहे हैं। कुछ है, कब तक आओगे वापस? अच्छा शाम तक आ जाओगे, तब ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भाग रहे भाभी जी, जल्दी वापस आ जाएंगे। बाकी पुष्पा दे रही भाभी को प्रेस करके कपड़े में, है प्रेस भी इतनी हल्की नहीं हो, दो दो हाथ से उठानी पड़ रही हो। और देखो यहाँ ये भाई साहब, हाँ यानी कि एक हाथ से यमराज पकड़ रखा और दूसरे हाथ से प्रेस पकड़ रखी है। भाई साहब देखो हमारा भारत साहब क्या क्या जुगाड़ चलता है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर टेप नहीं चिपकाया है, ऐसे जुगाड़ चल रहे हैं, घास उसको पकड़ रहे हैं, और जबकि वो कट भी रखी तार। एक दिन मैं भी बचाई, देखो यहाँ भाई साहब, माँ कसम पुष्पा जब तक तेरे ग्राफ ठीक है तब तक तो बची हुई है तू, लेकिन और बाकी तमाशा देखने के लिए भाभी यहाँ पे खड़ी हो रही है। ननद जी को कब करंट लगे, मन की छनी हो रही पूरी। चलो ठीक है, चलो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कल के दिन कौन देगा कपड़े प्रेस करके। तो देखो भी ऐसी ननद भी होनी चाहिए, भाभी को पूरे कपड़े प्रेस करके दे रही, भागो आराम से भागो, और भागना है तो बढ़िया कपड़े लेके जाओ, ऐसे बदले जाओ। चलो ठीक है करो करो, फिर मैंने छोड़ना आपको मार्केट तक नहीं। और देवर भी कैसा मिला आपको जो छोड़ के भी आ रहा है? खुश होना चाहे, बहुत नाइंसाफी हो रही है भाभी साइज बारे राव। मतलब पहले बार सोचा हूँ किसी ने यार भागने की सोच रही हूँ, ये तो पूरा सपोर्ट कर रहे भगाने में। ए भगवान, चलो ठीक है। तो भाई अभी ताई तो लग गए हैं मिर्च काटने पे, क्योंकि मिर्च और लहसुन का अचार बना रहे मिक्स नहीं। चलो चलो काटो काटो, बाकी दादी अभी भी लगी है काम पे।
सही है सही है सही है, बुआरी लगी मिर्च काटने पे, सासू लगी लहसुन छिलने पे, है सही है। तो अभी मेरी ड्यूटी लग गई भाभी को मार्केट तक छोड़ने की। बाटी तेरे बारे में बोलो, मैं भाग रही हूँ बोला, आज भाग रही हूँ बोला, आज डर गए सासू डर गए। तो भाभी को जल्दी से जल्दी मार्केट छोड़ता हूँ, क्योंकि तिलोत पुल जो है ना बंद हो रखा है, अगर वो खुला होता फिर तो पैदल चले जाते, 2 मिनट का काम था, लेकिन बंद हो रखा है तो भाई आधे घंटे का काम है। आइए आइए आइए, सासू डरा दिया आपने आज, आइए चलिए अपने धंधे को स्टार्ट करते हो, चलते हैं मार्केट। चलिए जी फाइनली मैंने भाभी को छोड़ दिया, ठीक है भाभी भागना बता आराम से, घर आ जाने से आपको, है ठीक है। तो थोड़ा एक दो काम है उसको निपटा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं अभी यहाँ से घर। ने लवान घास का बीज मंगा रखा है और राई के बीज मंगा रखे हैं, तो चलिए यहाँ से ले जाता हूँ मैं। चलिए जी लवान वाला बीज भी ले लिया, घास वाला ये पड़ा 100 रुपये किलो, 4 रुपये की ड्राई, ठीक है। चलिए जी 4 रुपये का ड्राई भी ले लिया। तो ये है विश्वनाथ चौक और सामने है विश्वनाथ मंदिर। तो जहाँ पर मैं अभी आ रखा हूँ इसको रामलीला ग्राउंड बोलते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है, बाकी यहाँ पर रामलीला हो रही हो, बाकी पूरे फील्ड पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही है यात्रियों की। थोड़ा अनिता ने मोमो मंगाए थे यहाँ से, क्योंकि उसको बहुत स्वादिष्ट लगे थे, वो भी पैक करा के ले जाता हूँ यहाँ से। 2 प्लेट मोमो भी लेके आ गया हूँ। तो भाई ये है ज्ञानसू डैम और देखो आज पूरा भर रखा है भाई, परसों खाली था पर आज देखो एकदम पूरा भर रखा है, और यहाँ फिर से बोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्या क्या करना पड़ता है भाई साहब, यहाँ पर धन्नो को रुकाओ, यहाँ से उतरो, यहाँ से फिर कैप्च करो, फिर निकलो घर के लिए, यही तो ब्लॉगर की लाइफ है साहब, तभी तो आप लोग भी प्यार देते हैं। तेरी मेरी माया मां भागी, कहे की माया बाकी। तो धन्नो को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो जल्दी जाता हूँ घर, फिर निकलते हैं घर। टाटा धन्नो, आ गया मैं भी। पुष्पा और दादी तो यहाँ बैठ रखे छत के ऊपर। हाँ भाई मैं भी जाने वाला हूँ, ठीक है तुमसे मिलने आया छत के ऊपर, मैंने कहा निकलता हूँ मैं भी, आओ क्योंकि लगभग 1:30 बज रही है, फिर चोरनखाल में ठंडा होगा और लेट में निकलूंगा तो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ से जल्दी टाइम पे निकलना सही है। तो समय 2 बज गए और मैं यहाँ से निकलता हूँ, चलो ठीक है फिर है। हाँ रखिए रखिए, चल ठीक है मैं, घिची पिएगी अभी, घिची पिएगी, घिची पिएगी, हाँ हाँ चल ठीक है फिर है, ध्यान रख ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल ठीक है। हेलो क्या हाल है, टाटा अभी शांत हो रही एकदम है। चलो चलो ठीक है ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, बोलना हैप्पी बर्थडे, सब लोग लिखेंगे आपको कमेंट में हैप्पी बर्थडे आज है, चलो ठीक है फिर है। चलिए जी, जब हेमंत भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम मैं और आलोक भाई यहाँ रहे थे, यानी कि पहाड़ी बाइकर भाई इन्हीं के घर में रहे थे, तब से इनके साथ जान पहचान है। बाकी ललिता को मैंने फोन कर दिया तो वो भी भाई के पास आने वाली है, जेपी भाई के क्लिनिक पे जाऊंगा फोर्ट गांव में, वहां से अपने लिए खांसी की दवाई लाऊंगा, क्योंकि मुझे और अनिता को भी हो रही खांसी, वो लाना भी जरूरी है भाई। चलिए जी फाइनली मैं अपने धन्नो के पास पहुंच गया, और बाकी यहां पर भाई का नाम क्या है, मैं क्या लगता तेरा, मामा जी पक्का ना याद है ना, तब ठीक है। या इनका इंट्रोडक्शन क्या देना, ये तो हाई गाइस वाले, ये बीच वाले तो जानते होंगे यार। चल अब हो गया बहुत, आ जा क्या करो, तब ठीक है बस बस ठीक है ठीक है हो गया, अब तो पक्का होंगे लाइक शेयर सब होंगे। अब चलिए अब निकलते हैं यहाँ से मस्त सफर के साथ। मेरी माया सच्ची सुआ, तेरी माया सच्ची। तो चलिए जी फाइनली मैं फोर्ट गांव के बैंड पे पहुंच गया हूँ, ठीक सड़क के किनारे पे भैया की क्लिनिक। तो भाई मैं जब भी बीमार होता तो दवाई हमेशा भाई से ले जाता हूँ, चाहे मुझे फोल्ड ही आना पड़ता है, भाई के हाथ में जस है भाई, दवाई का असर उतना नहीं होता जितना जस का असर होता है। ऑडियंस का दिल बहलाने के लिए नहीं, सही बात है, होता है दवाई असर तभी करती है जिसके हाथ में जस होता है। तो भाई डॉक्टर बनना भी बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि मैंने देखा है ना जब किसी का हाथ कट जाता है या पांव कट जाते हैं ना, तो जब वहाँ पे पट्टी करनी होती तो भाई हाथ कांप जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ना वो टाँके भी लगा देते हैं भाई, डरते नहीं है। मैंने एक दिन यहाँ टाँके लगाते हुए देखा तो मैं उतने से घबरा गया, और भाई जी ने बिल्कुल टाँके भी लगा दिए, तो उसके लिए भी घर से चाहिए भाई, हर किसी की बस की नहीं होती। तो चलिए जी फाइनली जाने की बारी आ गई, ठीक है भाई जी, दवाई बहुत ज्यादा दे दी आपने, अब तो स्वस्थ हो ही जाऊंगा मैं। क्यों नहीं, वैसे तो स्वस्थ ही है, बस थोड़ा लापरवाही करता है। हां सही बात है बड़ा जी, नाराज नहीं जवान हो रहे हो आप आजकल, इसका राज क्या है, क्या राज है, साड़ी पीते हैं, अरे यार नहीं बता रहा था। चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है भाई जी। शाम की 4:30 बज रही और फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं, और आप मुझे बाइक ले जानी यहाँ से नीचे। चलिए जी फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो,
अरे हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच गया भाई फाइनली। तो चलिए जी, अनीता आज आराम करेगी, अब ललिता चाय बनाई जा जरा, और टाइम तो खूब फेंक दी तो कैमरे के आगे जा जरा। इसको तो बहुत ठंड लगी और मेरे को बहुत गर्म लगा जो बाइक चला रहा था। आपके साथ मेरी जैसी लड़की है, तभी तो और ज्यादा ठंड से मरा मैं, तेरी जैसी थी। जाने तब बोली तू ही बना चाय, वो नहीं बनाने वाली, जा क्या करे तू ही है भाई, तेरे हाथ की चाय का तो फैन हूं मैं। क्यों मधुल और बिंदु लगे हैं घास खाने पे, तो फिर गर्मा गर्म चाय ला दी अनीता ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये क्या चाट रही है, क्या चाट रही तू है, क्या चाट रही, क्या चाट रही तू हमारे घर में, बिल्ली है तू, बिल्ली है ना। चलिए जी, माँ भी आ गई है घास लेके। तो लगभग 6:30 बज गए और बाहर तो अंधेरा हो गया, और तो कमरे में लाइट भी खुल गई है। बाकी ललिता आ रखी है, बाकी माँ जी भी आ गए गौशाला से। बाकी भाई अनीता ने मेरे से मोमोज मंगा रखे थे, तो इनको भी फ्राई करते हैं। अब अनीता की डिमांड है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते भाई। माँ भी खा रही आई नी, माँ सही हो रे, बढ़िया हो रे माँ, बहुत बढ़िया होना। हाँ तो मैं 2 प्लेट लेके आए, लगभग 200 रुपए की है। आंटी मैंने तेरे को मना किया था ना उस टाइम फोन करके, नहीं है मोमो, आ गए। दरअसल अनीता को परसों वहाँ के मोमो पसंद आए थे ना, तो अनीता ने फोन करके स्पेशल बोला भैया ला देना, खुश। हाँ वेलकम, और भीड़ कम। तो माँ जी का मन कर रहा था खाने का मोमो, जैसे मेरे पे देखी वैसे हाथ हटा दिया, माँ जी ले खा भाई ले, तुम्हारे लिए लाए लो। माँ जी पता नहीं क्यों ऐसे, माँ जी सोचती कि बस ला रखा तो 2-4 दिन तक चलाओ, खाओ 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 आराम से खाओ, ठीक है। तो माँ भी लगभग पता नहीं कब से वही मोमो चखरी आज नहीं, माँ पहले भी खाए कभी, माँ ने कभी नहीं खाए पहले मोमो, आज माँ जी भी खा रही और माँ जी को स्वाद भी लग रहा उसका, नहीं खा पूरी प्लेट दे ले, ठीक है आराम से खाओ। अरे मोमो चला दिए, अब चला दिए तुमने, उसका ध्यान फोन पे बात करने का, इसका यहाँ सारे चला दिया, वहां सबसे महंगी चीज। दोस्तों इतना महंगी चीज खत्म कर दी, पर मैं कहा लेता हूँ इसको, क्या करे मर गया ये चल गया। तो चलिए जी फाइनली कुछ मोमो तो बच गए, बस 2-3 तो ऐसी गंदी कंडीशन में जलाए ने उन्होंने भाई साहब, क्या बताऊं मैं माँ का साऊं। माँ जी तो बोल रही मैंने 6 खा लिया, माँ की माँ जी ने अगर 2 भी खाए तो माँ जी खुश हो गई, 8-9 खा लिया। माँ जी बोल रही 8-9 खा लिया बल, जबकि 1 प्लेट में 8 ही 9 होते हूँ और यहाँ इतने सारे बच रखे। ए बाबा आ रहा वही स्वाद जो परसों उत्तरकाशी में आ रहा था है, एक्चुअली वो ठंडे हो गए ना भाई, 3-4 घंटे हो गए उनको। हाँ तो मैंने पहले बोल दिया था इसको कि भाई ये वो स्वाद नहीं आएगा, होटल में उसका अलग स्वाद आ रहा था, घर में लाने के बाद इनका थोड़ा कम स्वाद आ रहा है, क्योंकि ठंडे है ना वो, नहीं होते बीमार नहीं होते, खा ले खा ले आराम से खा दे रहे भाई। अनीता तो लग गए इनको सपोर्टने पे, क्योंकि तो अनीता को पता है ज्यादा रहूंगी तो गायब कर देंगे हम मोमो ने, कितने हैं अनीता मोमो गिनने लगे यहाँ। खा खा आराम से खा, ना ना खा खा तू खा खा भाई खा, तू तेरे लिए लाए मैंने स्पेशल, हाँ खाना नहीं खाएगी तो हमें भी नहीं देगी खाने अब नहीं। तो भाई अपने मोमो डकारने के बाद अनीता पूछ रही भैया खाना क्या बनाओ, अब नहीं कर रहा क्या मन बनाने का है, पूरे खाए भाई उसने कसम से यार, तब बोल रही कि अब क्या बनाओ, तू भी खाएगी खाना। खुद का मन नहीं कर रहा और मेरे पूछ रही बनाए कि नहीं बनाए, बल मेरे को पूछ रही भूख लग रही नहीं लग रही, मेरे को दे दे मेरी माँ आज खाना कसम से, मिलेगा खाना पक्का, तब ठीक है ले तेरी चाय बच रही, चाय पी ना ना पी पी ले, अरे ले भाई इतनी ठंडी चाय।